ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो। हम इस वरदान को स्वीकार कर लें। बाबा ने कहा है, आगे चलकर संसार में विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे, तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। तुम पहचानो अपनी शक्तियों को, याद करो परम सदगुरु से मिले हुए वरदानों को। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। हमें दूसरों के विघ्नों को नष्ट करना है। दूसरों के विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं, क्योंकि विघ्नों में आत्मा की शक्ति बहुत नष्ट होती है। विघ्नों की उलझन, विघ्नों में चलने वाले बहुत सारे संकल्प परेशानियां आत्मा को निर्बल करते हैं, और जब हमारा जीवन लंबा काल निर्विघ्न रहता है तो वे शक्तियां हमारी जमा होती रहती हैं, और तभी हम अपने लिए या दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन सकते हैं। तो हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें विघ्न कम से कम हो। विघ्न उनको नहीं आते जो सरल चित्त हैं। भगवान वाच है, तुम यदि सरल होंगे तो तुम्हारी विघ्न और समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। विघ्न और समस्याएं उन्हें नहीं आते जो मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहते हैं, क्योंकि शक्तियों की किरणों से विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। विघ्न और समस्याएं उन्हें भी नहीं घेरती जो स्वराज अधिकारी बनते हैं। हम सरल चित्त बने, बहुत शक्तिशाली बने, तो विघ्नों से मुक्त जीवन का आनंद ले सकेंगे। विघ्न उन्हें भी आते हैं जो अहंकार और क्रोध में ज्यादा रहते हैं, जो इस माया के अधीन हैं, वो विघ्नों के भी अधीन हो जाते हैं। कहीं काम वासना के विघ्न हैं, तो कहीं क्रोध और अहंकार के विघ्न हैं। हमें अपने जीवन को निर्विकारी बनाकर इन विघ्नों से मुक्त जीवन जीना है। जिसके मन में संकल्पों के तूफान नहीं उठते, उनका जीवन निर्विघ्न रहता है। हम अपने अंदर ज्ञान का बल, स्वमान का बल इतना अच्छा बढ़ाएं कि व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से हम मुक्त रहें, क्योंकि संसार में व्यर्थ संकल्पों की तो मानो सुनामी चल रही है। हर व्यक्ति का मन व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से ग्रस्त है, इसलिए शक्तियां बहुत नष्ट हो रही हैं। तो विघ्न आने पर मनुष्य अपने को बहुत कमजोर पाता है, ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं जो कभी सोची भी नहीं थी। तो हम श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं का श्रृंगार करें और लक्ष्य बना लें कि हमें तो सभी को विघ्नों से मुक्त करना है। दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर, संकल्प देकर ये काम हम प्रारंभ करें, और रोज सवेरे इस स्वमान का अभ्यास किया करें कि हम सूक्ष्म लोक में गए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख
कर वरदान दिया बच्चे विघ्न विनाशक भव, और हम स्वीकार कर लें कि बाबा से हमें ये वरदान मिल गया है, सारा दिन इसके नशे में रहें, इसकी स्मृति में रहें, तो ये वरदान बुद्धि में धारण हो जाएगा और फिर इसका प्रयोग करते रहें तो अनुभव होते रहेंगे कि सचमुच हमारे पास ये शक्ति आ गई है। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं विघ्न विनाशक हूँ और बाबा का ये वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति।